ब्याज इंटरेस्ट किसी धन के उपयोग के बदले दिए या लिए गए अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। ब्याज की गणना दो प्रकार से की जाती है, पहला साधारण ब्याज, दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की गणना विधि से आप परिचित हैं, आइए इसे एक उदाहरण से समझें। उदाहरण चार, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। उदाहरण चार, हल। प्रश्न में दिया है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारे पास मूलधन कितना हुआ? मूलधन हमारे पास हो गया 10,000 रुपये और दर प्रश्न में दी गई है 10% वार्षिक। इसके बाद समय है 3 वर्ष का। हमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज, तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र कितना होता है। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे 100। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसमें हम मान रख लें मूलधन हमारे पास कितना है 10,000 गुणित दर दी हुई है 10% गुणित समय है 3 वर्ष बटे 100। यदि हम इसे 100 के पहाड़े से काटें तो 100 एकम 100 और ये कितनी बार कटेगा 100 बार। अब इसे हल कर लें तो देखिए यहाँ पर 3 × 10 × 100 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 3,000 रुपये। तो हमें साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो गया? साधारण ब्याज बराबर 3,000 रुपये। इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ।